बिहार विधानसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी तल्ख देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है और अपने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी को भेजा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की। इसी पे अब विपक्षी पार्टी जो है वो हमलावर है। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन का जो रिएक्शन आया है, उनका साफ कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई जमीनी संगठन नहीं बचा है, इसीलिए उनके सारे नेता जो है जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी जो है उनका भी रिएक्शन आया है। बीजेपी की तरफ से निखिल आनंद है जो उनके नेता है, प्रवक्ता है, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत सारे राज्यों में तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है और वहाँ उनका उठना अब असंभव सा दिख रहा है, इसीलिए उनके जो कई सारे नेता है जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और वो इस्तीफा का पेशकश कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता, आइए पहले उसको सुनते हैं। देश भर के जिन राज्यों में भी कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है, वहां से अब उसका उठना संभव नहीं है। कांग्रेस के नेता ऐसे राज्यों में जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त होने की जो बात की है, उससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के नेता जिम्मेदारी का बोझ अब नहीं उठा सकते हैं। वैसे भी बिहार में कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस में जिम्मेदारी देने और जिम्मेदारी से मुक्त होने की बात ट्विटर पर की जा रही है। कांग्रेस सही मायने में रियल हाईटेक पार्टी हो गई है, जिसका जमीनी धरातल पर कोई वजूद नहीं है। अब कांग्रेस सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही एग्जिस्ट करती है। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी पार्टी के हाईकमांड से बिहार के संगठन की जिम्मेवारियों से मुक्त होने की अपील की है और ये कहा है कि उन्हें निजी कारणों की वजह से कोई लाइट जिम्मेवारी दी जाए। दरअसल ये समस्याओं को दूसरी तरफ मोड़ने की एक कोशिश है। उन्हें ये पता है कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, बिहार में चरम पर गुटबंदी है, कार्यकर्ता नदारद है, जमीनी तौर पर कोई संगठन बचा नहीं है, चुनाव में करारी पराजय का ठिकरा भी उन्हीं पर फूटने वाला है और इसीलिए उन्होंने इसे बुद्धिमानी के साथ दूसरे कारणों का हवाला देकर खुद को अलग करने की बात कही है, लेकिन इससे कांग्रेस की बिगड़ती सेहत का एहसास उन्होंने जरूर करा दिया है। तो आपने सुना, साफ साफ कहना है जेडीयू का कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व हर जगह पिछड़ता जा रहा है, इसीलिए उनके नेता अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और सेम रिएक्शन बीजेपी की तरफ से भी आया है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि बहुत ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में कि वहाँ कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है और वहाँ से उनका उभरना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है, इसीलिए उनके नेता जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।